दोस्तों दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लोन, लोन के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में और पेनल्टी के बारे में, ईएमआई क्या होता है उसके बारे में, और ईएमआई की फुल फॉर्म इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। और साथ ही साथ हम जो इस शीट में फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूले होंगे इफ फार्मूला, वी लुकअप, ABS, PMT, सम और Iferror। इन फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करके एक शीट बनाएंगे जिसमें आप लोन, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखें, वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएँ और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिसके ज़रिए से हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दे सकें। तो मैंने एक्सेल खोल लिया है। देखें एक्सेल में मैंने मास्टर लोन इशू और रिसीव ईएमआई ये तीन शीटें बनाई हैं। मास्टर में हमें क्या सेटअप करना है, हमने क्या क्या लोन देना है। लोन हमने 50,000 से लेकर 2,00,000 रुपये तक देना है, तो इसको ही हमने यहाँ से लिया और दोबारा ही यहाँ पर भी दोबारा ले लिया। अब लोन का जो पीरियड है वो 1 साल है, 2 साल है और 3 साल है। इंटरेस्ट का जो रेट है पर ईयर वो 11%, इसका 12% और इसका हमने 14% दिया है। 1 साल के लिए अगर कोई लोन लेता है तो उसको 11% इंटरेस्ट देना पड़ता है, 2 साल के लिए लेता है तो उसको 12% और अगर 3 साल के लिए लेता है तो उसको 14% देना पड़ता है। अब हमने दिया है कि ड्यू डेट ऑफ ईएमआई एवरी मंथ 5%, यानी कि जो ड्यू डेट होगी हर महीने की वो 5 तारीख तक ईएमआई जो है वो जमा हो जानी चाहिए। अगर 5 तारीख तक जमा नहीं होती है तो पेनल्टी जो पड़ेगी वो 0.5 यानी आधा परसेंट पड़ेगी ईएमआई की, जितनी ईएमआई है उसकी आधा परसेंट पेनल्टी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ हमने ले लिया है ओपनिंग बैलेंस, ये आपने ले लेना आपके पास कितना अमाउंट है। लेज़र 1 to 10 ले लो या जहाँ तक लेने हैं आपने, ये लेज़र आप लेज़र नंबर ले लेंगे और यहाँ पे उन पार्टी का नाम ले लेंगे जिनको आपने लोन देना है, जो भी आपके कस्टमर्स हैं। तो देखें मैं शुरू करता हूँ इसको। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ये चीज़ें भर देनी है। इसके बाद मैं लोन इशू में आ जाता हूँ, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, लोन इशू में आ जाता हूँ। मैं पहले मैं डेट ले लेता हूँ, मान लीजिए 4/1/2018 को लेज़र नंबर 1। अब ये लेज़र नंबर 1 जो है ये यहाँ मास्टर वाली शीट से है, तो देखें ये हमने इसका मैं इसको सेलेक्ट करेंगे और आप चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं। मैं आपको इसमें बताऊं कि इसमें हम एक फॉर्मूले के साथ साथ हम सीखेंगे नेम रेंज, नेम रेंज सीखेंगे हम कि इतने एरिया को सेलेक्ट करना है, मैंने नाम रख लेना है पार्टी। तो ये पार्टी नाम हो गया इनका। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप बराबर वी लुकअप। तो दोस्तों लुकअप वैल्यू जो है ये लेज़र नंबर से आ जाएगी हमारी, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। कोमा लगाएंगे हम, इसके बाद आपको ये पूछता है टेबल अरे। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है किस वैल्यू का नाम निकालना चाहते हैं। देखें हम मैं आपको एक बार दिखा दूं कि हमने मास्टर वाली शीट में ये यहाँ पर लेज़र नंबर और यहाँ पर नेम ऑफ पार्टी रखा था, तो उस टेबल का हमने नाम भी रखा था जिसका नाम रखा था हमने पार्टी, इसका हमने नाम रखा था पार्टी, ये नाम आ गया पार्टी। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है ये हमसे, तो इसको हम दे देते हैं हमें पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ये देखेंगे आप ये पहला कॉलम हो गया और ये आपका दूसरा कॉलम हो गया, तो यहाँ पे ले लेंगे हम। अब यहाँ पे ले लेंगे हम कॉलम नंबर के लिए 2 कोमा, फिर पूछता है हमसे ये रेंज लुकअप, इसको कर लेते हैं हम फॉल्स यानी 0, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये नाम आ गया लेज़र नंबर 1 में, ये नाम आ गया। अब हम क्या करते हैं,
देखो मैं इसको छोटा करके आपको बताता हूँ, जब हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे D6 आ गया यहाँ पर, D7 आ जाएगा अगले में, लेकिन पार्टी वही एरिया रह गया हमारा जहाँ से हमने पार्टियाँ का दूसरा वाला कॉलम का डाटा लेना है। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इफ़ एरर, ओ सॉरी एन ए वाला एरर। तो इस एरर को निकालने के लिए हम, अब जो ये हमारा एन ए वाला एरर आ रहा है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ से ये नंबर हटा दें तो यहाँ पे भी एन ए वाला एरर दे देगा। तो इसको निकालने के लिए हम जो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा इफ़ एरर। तो इफ़ एरर फार्मूला हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखें ये आपने पूरा वीलुकअप फार्मूला लगाया है, इससे पहले आपने इफ़ एरर फार्मूला शुरू कर देना है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर लास्ट में आ जाएंगे, तो ये पूछता वैल्यू, वैल्यू में आपका पूरा वीलुकअप फार्मूला आ गया। जैसे ही आप नीचे वाला कोमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ़ एरर, इसमें आप दो बार इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से एरर ख़त्म हो गया। अब एरर ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि आपका वहाँ डाटा नहीं आएगा, जैसे ही आप नंबर 1, 2 जो भी लिखेंगे 1, 5, 10, 12, अगर 13 लिखेंगे, 30 लिख दिया मैंने तो नहीं दिखाएगा क्योंकि 30 में कोई है नहीं। लेज़र नंबर 1, लोन अमाउंट, अब लोन अमाउंट हमारे पास जितनी है उनका चाहें तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके देखें। इस वीडियो में आप जो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, नेम रेंज के साथ आप डेटा वैलिडेशन सीखेंगे, डेटा वैलिडेशन होगा इसमें, सेलेक्ट करेंगे और आप आ जाएंगे इसके बाद डेटा में, डेटा में आने के बाद डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ वैलिडेशन में हमने इसको जहाँ एनी वैल्यू है सेलेक्ट कर लेना पहले, फिर उसके बाद आपने लिस्ट में आ जाना है। यहाँ पे आप सोर्स ले लेंगे, अब सोर्स कहाँ से लेंगे, हम अपनी मास्टर शीट में आ जाएंगे, ये देखेंगे आप, और ये हमारी सोर्स हो जाएगी कि हमने ये वाला डेटा लेना है। ओके कर लेंगे इसको। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू आ गई है जिसमें आपकी वो वाली अमाउंट आ गई। इसी तरह से आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसके पीरियड ले लेने हैं, आपने डेटा में आना है डेटा वैलिडेशन और लिस्ट ले लेना है इसको। चाहे तो आप वैसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, लेकिन इससे क्या है कि फिर हम वहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, तो हम चाहते हैं फ़िलहाल हम 1, 2, 3 कर लेते हैं इसको, 1, 2, 3। तो ये लोन का आपका पीरियड आ गया है। इसके बाद जो हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे पर ईयर, वो वीलुकअप फार्मूले से लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया कि मान लीजिए रफ़ीक अहमद 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, 1 साल के लिए ले रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हमने मास्टर शीट में चलेंगे और ये लोन अमाउंट जो है हमारी इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका भी एक नाम रख देंगे लोन, इसका नाम हमने रख दिया लोन। और यहाँ पर आने के बाद अब हम जहाँ लोन रखा है हमने इसका नाम, तो देखें ये पहला कॉलम हो गया, आप देखेंगे ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कॉलम है हमारे पास। जो वैल्यू होगी उसी का पीरियड आप लेना चाहें या फिर इंटरेस्ट रेट लेना चाहें, तो इसका तीसरा कॉलम हमें इंटरेस्ट रेट लेना है। अब हम चलते हैं लोन इशू में, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी हमारी ये वाली अमाउंट कोमा, इसके बाद टेबल ले लेंगे हम लोन और कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि तीसरा कॉलम लेना है हमने ये वाला तीसरा, तो हम ये तीसरा कॉलम ले लेंगे। फार्मूला मैं एक बार आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ कि फार्मूले में यहाँ पर सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमने ये वाली ले ली, उसके बाद टेबल अरे हमने लोन ले लिया, उसके बाद हम तीसरा कॉलम ले लेंगे उसका कोमा, फॉल्स के लिए 0 कर देंगे यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे ये 11% आ गया। अब इसी को मैं पकड़ के नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें एरर देगा जिसको बोलते हैं एन ए एरर, यानी नॉट एप्लीकेबल, कोई अमाउंट एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका एन ए एरर आ गया। इसके बाद हमने इस एरर को निकालने के लिए फिर शुरू में आना है,
इफ एरर फॉर्मूला लगाना है और बिल्कुल लास्ट में आ जाना है इसके। कोमा लगाएंगे यहाँ पर हम और दो बार इन्वर्टेड कोमा लेने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो आप देखेंगे ये हमारा एन ए एरर से ये सारे एरर भी निकल गए। तो ये आपने वन टाइम करने हैं। इसके बाद नंबर आता है ईएमआई का, इसके बाद हमें ईएमआई निकालनी है। तो ईएमआई की सेटिंग करेंगे हम, ईएमआई निकालेंगे यहाँ पर। ईएमआई निकालने के लिए यानी ईएमआई का मतलब होता है इनकी महीने की किस्तें कितनी हैं। तो ईएमआई निकालने के लिए हम शुरू करेंगे, इसमें फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो पीएमटी के नाम से फार्मूला होगा, पीएमटी का इस्तेमाल करेंगे। देखें अभी तक हमने वीलुकअप को इस्तेमाल कर लिया है और हमने इफेरर इस्तेमाल कर लिया है, हमने नेम रेंज इस्तेमाल कर ली है, हमने डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल कर लिया। अब हमें पीएमटी फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो पीएमटी फार्मूले में आएंगे हम, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे बराबर पीएमटी ब्रैकेट। देखें पीएमटी फार्मूला आप चाहें तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि रेट, रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट का रेट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट का रेट हमने यहाँ जो 11% दिया है ये सालाना दिया है, यानी एक साल के लिए ईयरली वर्क करेगा। और हमें जो रेट लेना है ईएमआई के माध्यम, ईएमआई जो हमने निकालनी है वो है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मंथ का रेट लेना पड़ेगा। तो ये वाला रेट हम लेके इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं तो उसका 12वां भाग, कोमा एन पी ई आर यानी नंबर ऑफ पीरियड। तो पीरियड कितना है हमारा, एक साल का है। तो यहाँ पर भी हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट में सालाना को महीने में हमने उसका भाग करके किया, यहाँ पे साल को महीने में भाग करने के लिए हमें गुणा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, कोमा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई हमारी ये वाली वैल्यू, कोमा फ्यूचर वैल्यू ज़ीरो कर देंगे, कोमा यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, एक होता है एंड ऑफ द पीरियड और एक होता है बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो क्योंकि हमने जो दिया है वो 5 तारीख तक दिया है कि पहली 5 तारीख तक आपने किस्तें जमा करनी, तो हम यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं बिगनिंग ऑफ द पीरियड यानी महीने के शुरू में आपने किस्तें जमा करनी है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे ये इसका ईएमआई निकल कर आ गया। अब हम इसी को ड्रैग करेंगे तो नीचे कुछ नीचे ले आएंगे तो इसने वैल्यू एरर दे दिया। वैल्यू एरर को निकालने के लिए या एन ए एरर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ एरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और लास्ट में आ जाएंगे इसमें भी, कोमा और दो बार इन्वर्टेड कोमा लेके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। इसको भी नीचे पकड़ के ड्रैग कर देंगे, खींच लेंगे नीचे तो ये हमारी किस्तें आ गई। मान लीजिए रफ़ीक 10,000 की जगह 1,00,000 की जगह 1.5 लाख ले रहा है लोन और 2 साल के लिए ले रहा है तो कितनी किस्त बनेगी। अगर तो वो 3 साल के लिए ले रहा है तो कितनी किस्त बनेगी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आता रहेगा। ब्याज का रेट जो है ये हमारा ऑटोमेटिक हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया है। तो हमें जो चेंज करने हैं यहाँ पर, हम वो एरिया को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं जो एरिया हमने चेंज करना है, इसको हम थोड़ा सा कलर ले लेते हैं कोई, इसमें बल्कि हम थोड़ा सा ये कलर ले लिया हमने कि ये दो एरिया चेंज करने हैं और ये दो एरिया चेंज करने हैं आपने। यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक। अभी हमने क्या है 4/2/18 को लेज़र नंबर 2 हमसे 1 लाख रुपए लोन ले रहे हैं और ये 1 साल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर उसकी ऑटोमेटिकली ईएमआई आ जाएगी। अब हमें देखना है हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचता है। तो हमने मास्टर वाले में आना है, मास्टर वाले में आने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे इतना हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो इशू वाले में हम आएंगे, बराबर लेंगे। पहली बात तो हम मास्टर में आके ये वाला सेल ले लेंगे, एंटर कर दिया हमने। फ़िलहाल हमने क्या किया, आपने देखा कि हमने मास्टर वाले में हम आए, हमने क्या किया यहाँ पर मास्टर की शीट से G3 में जो लिखा है यानी वहाँ पे जो कैश लिखा है वो ले लिया, माइनस कर लेंगे हम। उसके बाद हम जितना लोन दे चुके हैं माइनस, इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे सम फार्मूला।
सम ब्रैकेट, और ये वाली हम पूरी रेंज ले लेंगे अपनी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हम लोन दे चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास शुरू में 5 लाख 50 लाख था, जिसमें से हम 2.5 लाख रुपए का लोन दे चुके हैं, तो 47 लाख और 50 हज़ार आपके पास बैलेंस कैश इन हैंड है। तो ये हमारा हो गया। तो हमने यहाँ अपनी सभी पार्टियों को लोन दे देना है। फिलहाल मैं इसको पकड़ के यहाँ से ही ड्रैग कर देता हूँ। दो लाख, और इसके बाद मैं इसको 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 50 हज़ार, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और फिर 50 हज़ार। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये सब डिटेल कि हमने इनको लोन इशू कर दिया, ये हमने लोन और इन सबकी ईएमआई इतनी बैठती है। अब मैं रिसीव ईएमआई में आ जाऊंगा। जब भी मुझे ईएमआई रिसीव करनी है तो पहले तो मुझे डेट डालनी पड़ेगी वहाँ पर, लेज़र नंबर, पार्टी, लोन अमाउंट और ईएमआई। उसकी ऑटोमेटिक निकल के आए। पेनल्टी के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें एक फार्मूला और इस्तेमाल होगा जिसको बोलेंगे हम डे फार्मूला। तो पीएमटी का हो चुका है हमारा, और सम का भी हो चुका है। अभी हमारा फार्मूला रह गया है डे फार्मूला और एबीएस फार्मूला। डे फार्मूला रह गया, एबीएस रह गया और इफ रह गया। इन तीन फार्मूलों को हम इस्तेमाल और कैसे करेंगे, हम आ जाएंगे अपनी शीट में। सबसे पहले हम डेट डाल लेते हैं, या फिर 4/6/18, 4/2/18, बल्कि हमें यहाँ 5/1/18, 5/8/18, 5/9/18। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ डेट ले ली हैं, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। लेज़र नंबर, ये मैंने पूरे लेज़र नंबर दे दिया। अब यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, वी लुकअप फार्मूला लगाना होगा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारे ये लेज़र वाली हो जाएंगे, लेज़र नंबर कोमा। अब हमने यहाँ पे नाम दिया था, अगर हमें नाम ध्यान नहीं है क्या नाम दिया था हमने, तो आप F3 दबाएंगे। तो F3 दबाने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट नेम आएगा एक, इसमें हमने नाम दिया था पार्टी कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें दूसरा लेना है, कोमा 0 कर लेंगे। तो ये हमारा पार्टियाँ आ गई यहाँ पर। इसमें भी हम इफेरर का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। इफेरर लास्ट में आएंगे, कोमा, दो बार इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, एंटर कर देंगे। अब इसको भी पकड़ के हम यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, ये हमें नीचे तक ड्रैग कर लेना, और आप इसको नीचे तक ड्रैग कर लेना। लोन अमाउंट, अब लोन अमाउंट जो हमने देखनी है वो कहाँ से देखनी है, लोन इशू के टेबल से देखनी है। इसका नाम रख लेते हैं हम लोन अंडरस्कोर इशू, बल्कि इसमें आप नाम लोन इशू रख लें, फिलहाल हम इसका नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बराबर वी लुकअप फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे आप। लुकअप वैल्यू हमारा लेज़र नंबर हो जाएगा, कोमा। अब इसके बाद जो टेबल पूछता है, तो टेबल के लिए हम लोन इशू वाली शीट में आएंगे, और टेबल जो लेंगे हम वो लेज़र नंबर से लेंगे, और पूरा टेबल हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, पूरा टेबल ले लेंगे, कोमा। कॉलम नंबर लेंगे हम दूसरा, क्योंकि पार्टी का नाम है दूसरे कॉलम में, कोमा 0, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। तो सॉरी, यहाँ पे हमें दूसरा नहीं, हमने नाम नहीं लेना है, हमने लेना है अमाउंट। तो इसके लिए आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर
तीसरा नाम ले, तीसरा कॉलम ले लेना है, तो उसकी अमाउंट भी आ जाएगी यहाँ पर। इफेरर ये ले लेंगे आप, और इसको पकड़ के भी आप नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब इसकी दोस्तों, अब हमने इसका ईएमआई निकालना है कि ईएमआई इसका कितना कितना है। तो ईएमआई के लिए हम लोन इशू वाली शीट में आएंगे और इसका ईएमआई देखेंगे। ये हमारा जो डेटा है, इस डेटा में से हमने यहाँ से लुकअप करना है। देखें, वी लुकअप में जो आप लुकअप करते हैं, लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी हमें छठा कॉलम लेना है। तो हम क्या करेंगे, रिसीव ईएमआई में आ जाएंगे, तो जो हमने फॉर्मूला यहाँ लगाया था इसको ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे 5, 5 में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, और हम लेते हैं अगर 6 तो 6 में आ जाएगा आपका ईएमआई। अब देखें एक चीज़ इसमें, कि इसमें जो ईएमआई है ये माइनस में दिखाता, तो माइनस की वैल्यू को अगर हम प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। फिलहाल इससे पहले हम जो फार्मूला लगाएंगे उसको बोलेंगे हम एबीएस ब्रैकेट, और लास्ट में आके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो एबीएस फार्मूला जो है इसमें इस्तेमाल जो हमने किया, तो एबीएस फार्मूला ने क्या कर दिया, उसको जो वैल्यू थी, लेकिन इसमें हमें एक काम और करना पड़ेगा, एबीएस जो है इफेरर के बाद लगाना पड़ेगा। वी लुकअप से पहले लगा लेंगे एबीएस, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लास्ट वाला ब्रैकेट इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप देखेंगे ये एबीएस आ गया। तो यहाँ पर एबीएस ने क्या करा, इसको आपका माइनस से निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव में कर दिया। लोन इशू में आएंगे हम, इसमें हम एक फार्मूला और लगा लेते हैं, चाहे तो हम इफेरर से और इसके बाद लगाएंगे। देखें इसको कैसे लगाएंगे, ये फार्मूला है हमारा, इसमें पीएमटी का जो जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, पीएमटी से पहले आपने राउंड अप ब्रैकेट ओपन, और जहाँ पे पीएमटी का क्लोज हुआ है फार्मूला, वहाँ पे कोमा ज़ीरो कर देंगे, फिर ब्रैकेट एक क्लोज करेंगे। तो राउंड अप यहाँ ख़त्म हो गया, इफेरर हो गया और पीएमटी हो गया। इसमें एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये राउंड फिगर में आएगा, जो आपका इसमें डेसिमल में पैसे आ रहे थे कि 50 पैसे, 51 पैसे, वो अब इसमें नहीं आएंगे। तो ये लोन का हो गया हमारा रिसीव इशू। अब हमने यहाँ पे ईएमआई कितना है यहाँ पर आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वो 0-0 वाली वैल्यू लेगा। अब हमें इसमें पेनल्टी का देना है कि पेनल्टी कैसे पड़े इसमें। हम मान लीजिए ये चाह रहे हैं कि हमने एक मास्टर में कंडीशन दी थी कि ड्यू डेट अगर 5 तारीख है, लास्ट डेट है ड्यू डेट, 5 से बाद में जितनी भी डेटें होंगी उसमें क्या है कि आपको पेनल्टी पड़ेगी 0.5% जितनी भी ईएमआई बन गई। तो हम क्या करेंगे, रिसीव ईएमआई में आएंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे बराबर इफ़ ब्रैकेट, ये पूछता है हमसे लॉजिकल टेस्ट, ये हमसे पूछता है लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे हम एक और फार्मूला लगाएंगे डे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सीरियल नंबर ले लेंगे हम ये वाला, यानी जो हमारी डे है। इफ़ डे C5 मोर देन, अब मोर देन करने के बाद किससे बड़ा होना चाहिए, हमने मास्टर वाली शीट में आए हम, और यहाँ पे ले लेंगे मोर देन ये वाला सेल, इसको हम लॉक कर लेंगे, मोर देन ये वाला ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, इफ़ डे वन और सॉरी डे C5 मोर देन मास्टर का डे टू और डी टू में हमने लॉक इसलिए लगाया। देखो लॉक लगाने के लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं कि आप कॉलम से पहले डॉलर लगा लेंगे, कॉलम के बाद यानी रॉ से पहले डॉलर लगा लेंगे, या फिर आप एक काम करेंगे इसमें इसके बीच में रख के F4 की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा। कोमा
अब हमने ये दे दिया कि इफ डे जो है C5 में जो डेट है इसका जो डे बनना है यानी इसकी जो तारीख है वो बराबर या वो बड़ी है मास्टर की तारीख से, कोमा EMI जो इसकी EMI बन रही है, ये आप देख रहे हैं EMI, इसमें खाली G5 ले लेते हैं, रिसीव वाले को हटा लेते हैं, EMI मल्टीप्लाई मास्टर्स में चलते हैं हम, यहाँ पर मास्टर में चलने के बाद ये वाली वैल्यू ले लेंगे, इसको हम लॉक कर लेंगे। लॉक करने का मतलब ये है जब हम उसको ड्रैग करेंगे तो जो लॉक वैल्यू है वो वहीं रहेगी, बाकी सब वैल्यू उसमें ड्रैग होंगे। हमने दे दिया इफ़ डे C5 मोर देन मास्टर D2, मास्टर में आके यानी कि बड़ा है D2 से, तो G5 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, कोमा ज़ीरो कर दें। तो ये हमने तीन चीज़ें दी, लॉजिकल टेस्ट ले लिया एक, वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने ये ले लिया कि जो हम आंसर लेना चाहते हैं, यदि डेट 5 तारीख ये इस डेट से ज़्यादा बैठती है तो जो G5 में लिखा है उसकी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए, अन्यथा आप वैल्यू ऑफ ट्रू फॉल्स में ले लेंगे कि कुछ भी नहीं आए यानी ज़ीरो आ जाए। तो आपने देखा यहाँ पे ज़ीरो आ गया यहाँ पे। अब इसको भी हम पकड़ के खींचेंगे तो देखें इसमें भी आपने देखा यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो आ गया, और यहाँ पे जो वैल्यू जिसमें पेनल्टी लग रही है वो पेनल्टी वैल्यू आ गई। इसको भी हम राउंड अप कर लेंगे, राउंड अप आप देखें यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया राउंड अप और लास्ट में आ गए इसमें, कोमा ज़ीरो कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा राउंड अप का। अब हमने इनसे EMI कितनी लेनी है, जो हम रिसीव करेंगे वो EMI रिसीव करेंगे हम बराबर EMI की वैल्यू प्लस पेनल्टी वैल्यू। जब डेट बढ़ेगी उसकी आगे तो ऑटोमेटिकली वो दोनों को जोड़ेगा। अब यहाँ पर भी वैल्यू एरर दे रहा है तो वैल्यू एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ एरर का इस्तेमाल करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा दो बार, देखें आप इस तरह से फॉर्मूला लगा देंगे, इफ़ एरर के अंदर G5 और H5 को प्लस कर लेंगे और कोमा दो बार इन्वर्टेड कोमा एंटर कर लेंगे। यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर देना है, वो नीचे तक आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा। अभी मान लीजिए 6/8/18 लेज़र नंबर 2 हमें पेमेंट कर रहा है, अभी हमने ये फॉर्मूले यहाँ पे जो लगाए हैं इसमें हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पर जो लोन इशू किया था जहाँ से, वहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम हो गई हमारी, ये प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि हमने जो लोन अमाउंट का ये हमने जो टेबल अरे लिया था यहाँ पर D4 से लेकर I16 तक इसको लॉक नहीं किया था। तो लॉक नहीं करेंगे तो वो क्या है, दोबारा में देखें हमने इसको लॉक करना रह गया था, ये D4 से I16 तक लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद इसको भी हम ड्रैग कर देंगे नीचे, तो ये आ गया हमारा। इसी तरह से हमने इसको भी लॉक करना है जहाँ D4 है और जहाँ I16 है, इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप नीचे डबल क्लिक कर दें, वो पूरा इसी तरह से आ जाएगा। अब आप देखेंगे जैसे मान लीजिए 6/8 को हमारी इतनी EMI बैठी और 6/9/18 को लेज़र नंबर 1 हमें पेमेंट कर रहा है, तो इसमें कितनी पेनल्टी हुई, ये हमारे यहाँ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है इसमें, आप ये देखें कि कैश इन हैंड निकालना है। आप देखिए मास्टर में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, लोन इशू में हमारे पास कैश इन हैंड इतना दिखा रहा है, लोन इशू में हमें ये कैश इन हैंड दिखा रहा है, अभी हमें रिसीव EMI में हमें कैश इन हैंड देखना है। तो बराबर यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे कि पहले तो ओपनिंग बैलेंस वाले में चलेंगे, इसको प्लस करेंगे इसमें, ओपनिंग बैलेंस में जो रिसीव EMI आ रही है हमारी, ओपनिंग बैलेंस यानी कि G3 सम ब्रैकेट और इतना अमाउंट हमारे पास
ये जो आ रहा है ये प्लस कर लेंगे, ये दो प्लस हो गए। इसके बाद तो देखें हमने यहाँ पे मास्टर में ये वाला जोड़ दिया, यानी कि इतना हमारे पास कैश इन हैंड है। अब इसमें से हमें माइनस भी करना है, माइनस करेंगे हम सम इफ, या सम कर लेंगे खाली, सम ब्रैकेट लोन इशू जितना हम कर चुके हैं, लोन इशू हम इतना कर चुके हैं, एंटर कर लेंगे। तो हमारे पास कितना कैश है, ये वाला कैश, और लोन इशू में अभी हमारा यहाँ पे कैश और यहाँ पे कैश में फ़र्क है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे सम ब्रैकेट ईएमआई वाली शीट का ये वाला। तो आप देखेंगे 337,274 और इसमें 37,274। इस समय हमारे पास इतना कैश इन हैंड है। मास्टर में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास, अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 20,00,000 था तब हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है हमारे पास कैश इन हैंड, यहाँ पे इसमें एक जो है सम कर लिया हमने ये वाला, और प्लस सम कर लिया हमने ये वाला, तो 7,00,274 इसमें बचा हमारे पास, 7,00,274, यहाँ पे भी 7,00,274। तो दोस्तों इस तरह से आप लोन इशू कर सकते हैं, रिसीव ईएमआई इसकी ले सकते हैं और इसके मास्टर बना सकते हैं। आगे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपको अगले किसी वीडियो में, अगले वीडियो में आपको बनाना बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो हर एक तरह के लिए होगा कि कितना हमने इन्वेस्ट किया, उसमें क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, तो उसके लिए है ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा आपको ये तरीका, और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें आप, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करेंगे तभी हमारा वीडियो आगे चलेगा। यूट्यूब क्या है कि उसको जब तक मतलब दिखाएगा नहीं जब तक। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और इसको लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे।